Hello student, today we are going to start chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. See, क्या समझते हो आप chemical reactions से? केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल चेंज हो सकता है रिएक्टेंट में, जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, इट्स अ केमिकल रिएक्शन. द डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें फूड डिकम्पोज होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सिमिलरली रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन अगेन अ केमिकल रिएक्शन. इसमें हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं जो बाद में एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस. लिखेंगे केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. देखिए, जब भी आप रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और इस तरह से प्रोडक्ट में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं. सो एग्जाम्पल लिखते हैं. आपने लेबोरेटरी में एक चीज आपको करनी है. मैग्नीशियम का रिबन आप लेंगे. मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को जैसे ही हमने बर्न किया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इट विल बर्न विद द वाइट डिजलिंग फ्लेम. और इस तरह से मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है एनजीओ में. सो दीज आर, जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. सो वी कैन से दैट कि जब भी कोई एटम्स आपस में रीअरेंज होते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg plus O2 will give you the MgO. अभी मैं इसको बैलेंस करके लिख रही हूँ. बैलेंसिंग हम जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब सीखेंगे. सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल गिव यू द मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में, हाँ, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है मैग्नीशियम का, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लेबोरेटरी में करोगे. इसको जब भी बर्न करते हैं, इस रिबन को जब भी बर्न करेंगे, इसको सैंड पेपर से रगड़ना होता है. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मैटर. ये कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आकर मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है. इस बिकॉज ऑफ दैट हमें सैंड पेपर से पहले इसको साफ करना होगा. जब ये क्लीन हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, और बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. सो रिमेंबर दैट मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग वी हैव टू रब बाय द सैंड पेपर टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और मे बी द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल टू, सपोज जिंक के ग्रैनुल्स को अगर आप HCl में डिसॉल्व कर देते हो. HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही आप डालेंगे, जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा. जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. सो देखिए, this is the reactant reacting, they are rearranged and combined with the zinc chloride and release hydrogen gas. तो इस तरह के chemical reaction के बहुत सारे example हमें अपनी daily life में भी देखने मिलते हैं. very common example is rusting of iron. iron के ऊपर rust लग जाती है, आपने देखा होगा. क्यों ऐसा होता है? iron जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह से वो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्रिएट करता है, और ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है यही कहलाता है रस्ट. सो दीज ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस. अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के, कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स of
केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन जब भी अकर होगी, इट कुड बी द इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस. आपको कभी कभी किसी किसी केमिकल रिएक्शन में गैस को रिलीज होते हुए देख सकते हैं. सेकेंड हो सकता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना. प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है, जब भी कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व है एंड दिस इज इनसॉल्युबल और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. थर्ड है चेंज इन कलर. कई बार केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में या जो आप प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उनका कलर चेंज हो जाता है. फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट रिलीज होना या एब्जॉर्ब होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है. फिफ्थ लिखेंगे चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. स्टेट चेंज होने का मतलब जो चीज हमने सॉलिड ली थी पता चला केमिकल रिएक्शन के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है या गैसियस फेस में कन्वर्ट हो गया है. सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट. अब हम वन बाय वन इनके एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन के दौरान अपने को गैस रिलीज होते हुए दिख सकती है, कहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, कहाँ पे कलर चेंजिंग के एग्जाम्पल्स हैं, टेम्परेचर कहाँ चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज का क्या एग्जाम्पल है. ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस. कौन सी रिएक्शन है जिसमें गैस इवोल्यूट हो सकती है. So now the example one. देखिए zinc granule में suppose हमने sulfuric acid डाल दिया diluted. आप एक test tube लीजिए, उसमें zinc के granules डालिए. zinc के granules डालने पर आपने sulfuric acid की drop by drop डालेंगे. जैसे आप sulfuric acid को डालते हैं तो देखिए zinc H2SO4 से react करके ZnSO4 बना लेगा. जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. दिस एरो शोज दैट कि गैस इज इवॉल्विंग. सो जिंक ने रिएक्ट किया H2SO4 से, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस. अब इस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये कैसे पता लगाएंगे. तो देखिए आपने टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, वहां से एक आप नली लगाएंगे. उस नली को आप सोप वाटर में डिसॉल्व करके रखेंगे, डुबा के रखेंगे. जैसे ही हाइड्रोजन गैस उसके अंदर जाएगी उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे. बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे उसके पास आप एक कैंडल लेकर आइए. अगर वो बबल्स पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होते हैं तो आप समझ जाइए कि दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो हाइड्रोजन गैस को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, बाय द पॉपिंग साउंड. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर टू, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट को सपोज हम CH3COOH एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं. जैसे हम CH3COOH एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे ये बनाएगा सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट प्लस CO2 गैस रिलीज होगी प्लस H2. देखिए सो सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद एसिडिक एसिड, इट विल फॉर्म सोडियम एसीटेट. क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एसीटेट अलोंग विद CO2 गैस. एंड CO2 गैस को अगर आप लाइम वाटर के साथ पास करते हैं तो वो मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. तो इस तरह से इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है एंड सेकेंड में CO2 गैस इज इवॉल्विंग. H2O गैस कैन बी रिकॉग्नाइज बाय पॉपिंग साउंड एंड CO2 गैस टर्न lime water milky.
नाउ अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करेंगे कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. सो सी एग्जांपल 3. प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नीचे डिपॉजिट हो जाता है, यानी इनसॉल्युबल रहता है सॉल्यूशन में. दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट बनाने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड KI को लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. जैसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर लेड नाइट्रेट को मिक्स किया तो देखिए क्या बन जाएगा. दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PB एंड PB जो होता है दैट इज फॉर्म येल्लो प्रेसिपिटेट येल्लो PPT इट विल फॉर्म येल्लो PPT. देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं प्रेसिपिटेट का. हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे ही हमने बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया ये बन जाएगा BaSO4 प्लस HCl. बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेरियम सल्फेट का बनता है प्रेसिपिटेट. दिस इज द वाइट PPT एंड दिस इज येल्लो PPT एंड दिस एरो शोज दैट कि ये डिपॉजिट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर इज अ सॉलिड प्रेसिपिटेट. सो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं. एक में पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट से एंड बना रहा है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI इज अ लेड आयोडाइड. लेड आयोडाइड कैसा हो गया येल्लो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है. और सेकेंड एग्जाम्पल में बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद H2SO4 इट विल फॉर्म BaSO4 प्लस HCl एंड BaSO4 इज अ वाइट प्रेसिपिटेट. सो हमने देखा कि दो एग्जाम्पल, फर्स्ट टू एग्जाम्पल इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड अदर टू एग्जाम्पल आर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं चेंज इन कलर. आपने कभी देखा है चेंज इन कलर कब हो जाता है? आपने देखा होगा घरों में अगर हम सपोज एप्पल को कट करके रखा, थोड़ी देर के बाद वो वाइट कलर से थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट हमने खोल के रखा हुआ है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा. ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन और हैं. सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है दैट इज पिंक इन कलर. आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया जिसका कलर पिंक है. धीरे धीरे आप उसमें सिट्रिक एसिड मिलाएंगे. सिट्रिक एसिड आप कहाँ से ले सकते हैं? सपोज आप नींबू ले लीजिए, लेमन यूज कीजिए, आप उसमें लेमन मिलाएंगे. लेमन जैसे ही मिलाएंगे धीरे धीरे उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर होता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट ने सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया है, केमिकल रिएक्शन, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कलर कैसा है? कलरलेस है. तो इस तरह से हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं चेंज इन कलर के. नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन है जहां हम देख सकते हैं कि वहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है. आप लोगों ने देखा होगा घर में जब भी व्हाइट वॉश होता है, अभी आजकल तो वाइट वॉश नहीं होता है लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो. यू टेक चूना. चूना मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड इज अ लाइम. लाइम को जैसे ही आप वाटर में डालते हैं उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं. उन बबल्स के साथ आप अपनी उंगली डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे जो पानी है वो स्लाइटली हॉट हो जाता है. उसका रीज़न क्या? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होने की वजह से जो सॉल्यूशन है वो लिटिल हीट अप हो जाता है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहां पर चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं. देखिए एग्जाम्पल लिखते हो चेंज इन टेम्परेचर में. यहाँ पर एग्जाम्पल आपने कैल्शियम ऑक्साइड लाइम लिया, लाइम को आपने डाल दिया है वॉटर में, ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज द स्लेक्ड लाइम और स्लेक्ड लाइम के साथ यहाँ पे निकलती है एनर्जी. So we can say that कि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा है. इट मीन्स दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व.
This is exothermic, exothermic reaction. So exothermic reaction कौन सी reaction होगी जिसमें heat release होती है. Heat release हुआ यानी temperature change हो गया क्योंकि solution का जो temperature था वो increase हो चुका होता है. Second example की बात करते हैं. Example 2, आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. बेरियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें हम मिला रहे हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड उसके अंदर डालते हैं तो देखिए क्या फॉर्म हो गया, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड H2O रिलीज हो जाएगा प्लस NH3 प्लस H2O. ये जो अमोनिया और H2O रिलीज हो रहा है इस दौरान अगर आप टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है. आपको टेम्परेचर उसका डाउन लगेगा. टेम्परेचर डाउन लगेगा मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है. तो एक्चुअली इस तरह की रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करना. सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जहां पे हीट रिलीज होती है वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको नोट कर ले आप. देखिए अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि एक केमिकल रिएक्शन देख कर उसमें से अपने को क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं. केमिकल रिएक्शन लिखते समय हमें ये तो करेक्ट है कि हर एक एलिमेंट का सिंबल लिखना है, तो हमें सिंबल का जानकारी उससे मिलता है. हम उसका फिजिकल स्टेट भी पता लगा सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस है. हमें ये भी पता चलता है कि अगर गैशियस है तो हम अपवर्ड एरो लगाएंगे, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो हम डाउनवर्ड एरो लगाएंगे. मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जिंक ने रिएक्ट किया HCl के साथ, इट विल गिव यू द ZnCl2 प्लस H2. यस, बैलेंस कर दिया. देखिए दिस इज जिंक, सो हम लिख सकते हैं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसने प्रोड्यूस किया है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस, गैस को हम ऊपर वाला सिंबल से शो कर सकते हैं, अपवर्ड एरो. अपवर्ड एरो शो करता है कि वो गैशियस है. जिंक क्लोराइड, अब देखिए जिंक इज सॉलिड, जिंक इज सॉलिड, HCl इज लिक्विड, ZnCl2 कैसा बन गया, दिस इज अगेन लिक्विड, एंड हाइड्रोजन इज गैस. अब देखिए इस लिक्विड को हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. इस लिक्विड को हम इंस्टेड ऑफ लिक्विड लिखने की बजाय हम इसको लिख सकते हैं एक्वस, मींस वाटर सॉल्युबल रहेगा ये, एक्वस सॉल्यूशन. दिस इज एक्वस सॉल्यूशन. सो जिंक ने HCl से रिएक्ट किया, बना लिया ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. सो लिक्विड लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, एक्वस. सपोज वाटर है, वाटर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ले रखा है, वाटर को हम हमेशा लिक्विड स्टेट में ही यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, H2O इज लिक्विड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं हम BaCl2 को हमने डाल दिया है H2SO4 के साथ. जैसे ही हमने डाला BaSO4 फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ HCl. सी यहां बेरियम क्लोराइड, दिस इज सॉलिड, H2SO4 इज एक्वस, दिस इज अगेन सॉलिड क्योंकि ये बनाएगा प्रेसिपिटेट एंड दिस इज एक्वस. प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं.
तो इससे पता लग सकता है कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, और फिजिकल स्टेट के बारे में प्लस हाँ हीट इवोल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं. अब सी, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डाला था तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट रिलीज हुआ तो प्लस हीट. इस तरह से एग्जाम्पल कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं मीथेन का. मीथेन का कंबशन कराया ऑक्सीजन के साथ. मीथेन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस, रिएक्शन हुआ, बन गया CO2 प्लस H2. CO2 इज गैस, H2O की वेपर भी आई, दिस इज अगेन गैस. सी, सो मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना लिया CO2 प्लस H2O, और इसमें इस दौरान बहुत सारा हीट रिलीज होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ दैट इज हीट. एंड दिस इज अ कंबशन रिएक्शन. जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं. कंबशन रिएक्शन के दौरान बहुत सारा हीट रिलीज होता है. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ जलती है तो हीट रिलीज करती है. सो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लूकोज. ग्लूकोज का बर्निंग, कंबशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द रेस्पायरेशन. सी, C6H12O6, इट्स अ ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना लिया CO2 प्लस H2O प्लस लॉट ऑफ हीट इज रिलीजिंग. सो रेस्पायरेशन इज अगेन, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसीलिए रेस्पिरेशन के दौरान हमें एनर्जी मिलती है. इसको बैलेंस भी अभी हम करेंगे. अभी दिस इज द अनबैलेंस रिएक्शन, लेकिन जैसे ही हम बैलेंस करना सीखेंगे तब हमें इसको बैलेंस भी करके आना चाहिए. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, N2 नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और बना लिया ट्वाइस ऑफ NO, नाइट्रस ऑक्साइड. दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब. जहां पर रिलीज हो रहा है वहां तो हीट लिख के भी काम चल जाएगा, लेकिन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है वहां हम क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब. यानी ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमें उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे उनका फिजिकल स्टेट भी पता चलता है, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये भी पता चलता है, वो कौन सी गैस रिलीज कर रही है ये भी पता चलता है, क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन. ठीक, केमिकल रिएक्शन का जो लिमिटेशन है कि केमिकल रिएक्शन से क्या नहीं पता चलता है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन से हमें ये नहीं पता चलता है कि वो कितनी देर में कंप्लीट होने वाली है. और जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो कैटालिस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट है, मतलब रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा है या उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है. तो बेसिकली हमें ना तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि कितना तेज है या कितना स्लो है, दैट इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट गेट फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन. सेकेंडली वी कैन नॉट गेट द नेचर ऑफ द कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का नेचर कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सिमिलरली एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कोई भी कैटलिस्ट यूज करना है तो कैटलिस्ट की पोजीशन हम एरो के ऊपर लिखते हैं. कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर अपने को डिफाइन करना है तो भी हम उसके एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं. हीट का जो सिंबल होता है, जैसे सपोज रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, अगर हमने हीट दिया है तो उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डेल्टा से. डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ हीट. सिमिलरली देखिए SO2 गैस कन्वर्ट हो रही है SO3 में. इस रिएक्शन के दौरान हमें कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. तो कैटलिस्ट का पोजीशन हम कहां लिख सकते हैं, अबव द एरो लिख सकते हैं, एंड दिस इज द गैस, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस. सो कैटलिस्ट का पोजीशन हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर. इवन टेम्परेचर और प्रेशर भी हम कहाँ लिख सकते हैं, एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, एंड लिमिटेशन वी ऑलरेडी लर्नड इट, कि इट डज नॉट टेल अस द रेट ऑफ रिएक्शन, कि वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, एंड सेकेंड इट डज नॉट टेल अस द नेचर ऑफ द कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का नेचर कैसा हो सकता है. नोट कर सकते हैं इसको आप. अब देखिए, अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है. सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, बता सकते हैं आप लोग क्यों जरूरत है? देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे मोटिव जो चीज है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास. मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ये जो चीज है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, कि किसी भी चीज को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उसे पैदा कर सकते हैं, केवल एक चीज से दूसरी चीज में बदल सकते हैं. जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा हुआ है, वैसे ही मास कंजर्वेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द रिएक्शन. सो रिएक्शन बैलेंस क्यों जरूरी होता है? टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ. कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ जहां तक सेटिस्फाई होगा, हमारी केमिकल रिएक्शन उतनी ही एक्यूरेट होगी. सो ध्यान रखिएगा, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, इट शुड बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपकी गलत मानी जाएगी. आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ही हमेशा लिखना है. अब यह बैलेंसिंग की कैसे जाती है, किस तरह से करनी है, वो हम सीखेंगे. देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल वन. देखिए, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ एंड इट विल गिव यू द HCl. जैसा कि मैंने बताया, कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए. यानी अगर रिएक्टेंट में यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो इस तरफ भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? दो ही होने चाहिए. अगर इधर दो क्लोरीन है, तो यहाँ भी कितने क्लोरीन होने चाहिए? दो ही होने चाहिए. दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर्म लिखा हुआ है और ये हमने कंपाउंड लिखा हुआ है. देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? दो. यहाँ पे कितना है? एक. तो आप हमेशा जो भी आपको बैलेंस करना है, आप बाहर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ना कि यहां लिख देंगे. दैट इज रॉन्ग. हाइड्रोजन टू है, इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेकिन जैसे ही आपने दो से मल्टीप्लाई किया, दो हाइड्रोजन हो गया और साथ ही साथ उसके साथ जो एडजस्टिंग एलिमेंट है वो भी उतना ही नंबर का हो जाएगा. यानी क्लोरीन भी कितना हो गया है? ट्वाइस. सो ऑटोमेटिकली क्लोरीन हमारा कैसा हो गया? सेटिस्फाई. सो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज सेटिस्फाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड इक्वेशन देखिए, एग्जाम्पल टू. मैग्नीशियम के रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था, बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू बैलेंस दैट. मैग्नीशियम देखिए वन है, यहां पर कितना है? वन है. ऑक्सीजन यहां टू है, यहां पे कितना है? वन. अब ऑक्सीजन को टू करना है तो हम यहां तो लिख नहीं सकते, इट्स बिकम रॉन्ग, फॉर्मूला गलत हो जाएगा. हमें हमेशा बाहर मल्टीप्लाई करना है. टू का मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे ही टू का मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो टू हो गए, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी क्या हो चुका है? डबल. We just multiply over here. So magnesium be 2, magnesium 2, oxygen 2, oxygen 2. This is balanced chemical reaction. Third example dekhte hain. Example CH4 plus O2 will give you the CO2 plus H2O plus heat. Is a combustion of natural gas. Methane is natural gas. देखिए, एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एलिमेंट दिया है, तो सबसे पहले आपको उसी एलिमेंट को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर सबसे लास्ट में आता है. यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन दिया हुआ है? कार्बन. सो फर्स्ट वी चेक कार्बन. कार्बन कितना है यहाँ पे? वन. यहाँ पे कितना है? वन. ओके, कार्बन बैलेंस है, ठीक है. हाइड्रोजन देखते हैं कितना है? फोर. यहाँ पे कितना है? टू. सिर्फ टू है. अब इसको अपने को फोर करना है, तो बाहर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड दिस बिकम टू टू जा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं. टू टू जा फोर हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस. अब इस चक्कर में ऑक्सीजन तो अनबैलेंस हो गई. नाउ लेट्स चेक ऑक्सीजन कितना हुआ है. यहाँ तो दो है, यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन प्लस ये दो ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? फोर. ये दो है और ये दो है, इट्स बिकम फोर. तो ये कैसे होगा? अगर हम टू से यहां मल्टीप्लाई करें तो टू टू जा फोर. याद रखिएगा,
इस तरह से नंबर रहता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और अगर बाहर नंबर लिखा है तो वो हम एड अप करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4, कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव यू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, दिस इज द वर्ड इक्वेशन, मैंने वर्ड्स में लिखी हुई है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट किया कॉपर हाइड्रोक्साइड से, सॉरी प्रोड्यूस किया कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब देखते हैं, नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन। सी, यहां पर कॉपर भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सबको पहले बैलेंस करना है, लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करेंगे। कॉपर एक है, एक ही कॉपर है, ठीक है। सोडियम एक है, सोडियम यहां दो है, यहां हम सोडियम दो है तो हमने टू से मल्टीप्लाई कर देना, मेटल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। मेटल ट्वाइस हो गया, मेटल वहां सोडियम भी ट्वाइस हो गया। अब मेटल के बैलेंस होने के बाद अब हम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो लास्ट में है, सल्फर को बैलेंस करके देखते हैं। सल्फर देखिए 1 है, यहां पे कितना है 1, यस सल्फर इज बैलेंस। नाउ कम टू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके लेट्स चेक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 से यहां मल्टीप्लाई हुआ, कितना हाइड्रोजन हो गया 2, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, यानी ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है। हाइड्रोजन यहां कितना हो गया ट्वाइस, या इट्स हाइड्रोजन अगेन बैलेंस। नाउ द फाइनल इज दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, देखिए 4 ऑक्सीजन तो यहां है अकेला, ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा है, 4 ऑक्सीजन, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। यहां देखिए ये 2 तो इसको गया और ये 4 गया, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यानी ऑक्सीजन में बैलेंस है। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन विथ बैलेंसिंग। सो इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच एक्चुअली फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ रिएक्शंस और मैं लिख रही हूँ जिसको हम बैलेंस करना सीखेंगे, जो लिटिल थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे।